फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको अपने कुछ परमानेंट कुछ सीजनल प्लांट दिखाऊंगी। इसके पहले मैं बताना चाहती हूँ कि अब की मैं संडे गार्डन अपडेट नहीं शेयर कर पाई, क्योंकि मैं 2-3 दिन के लिए फैजाबाद गई थी। अयोध्या, जहाँ मेरा जो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ मैं चली गई थी, कुछ काम था। तो इसलिए इधर 2-3 दिन मैं वीडियो नहीं शेयर कर पाई और बस खाली थोड़ा एक आध शॉर्ट्स डाल पाई थी। तो मैं शुरुआत कर रही हूँ। ये देखिए मेरा ये सिलोसिया, जिससे कॉक्सकॉम मुर्गा कलमी भी कहते हैं, इसकी फ्लावरिंग तो रोज इसी तरह से रहती है। ये देखिए इसमें फ्लावरिंग इतनी सुंदर है। इसको ना हम विंटर सीजन का प्लांट कह सकते हैं ना समर का, क्योंकि ये 2 महीने से ही फ्लावरिंग कर रहा है। जब विंटर सीजन स्टार्ट नहीं हुआ था, बरसात से ही ये फ्लावरिंग कर रहा है। अब शायद इसमें बीज भी बन गए होंगे, सीड। लेकिन इसका सीड कलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ही अपने आप होता रहता है। और ये देखिए मेरी डबल चांदनी में कितनी बड़ी बड़ी साइज की कलियां आई हैं। अब ये फ्लावर्स खिलेंगे। ये भी है, ये देखिए अजूबा के फ्लावर्स, शायद आपने रेयर ही देखा होगा किसी ने। ये देखिए कितने सुंदर अजूबा के फ्लावर हैं। और रेन लिली को पानी मिल जाता है तो ये अभी भी एक आध खिलाती है। देखिए ये देखिए मेरे परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट, ये कितना सुंदर खिल रहा है। नाग चंपा तो हमेशा ही खिलता ही रहता है, इसने कभी निराश नहीं होना पड़ता किया। इन्हें देखिए कितने सीड पॉट बने हैं। ये देखिए ये अपने आप हाथ में आ गई। ये देखिए खिल रहा है। सबसे अच्छी बात अब की मेरे ये हरसिंगार में, पारिजात में देखिए सीड पॉट बनी। ये कितना महंगा प्लांट मिलता है। अब की जब ये सीड पॉट मैच्योर हो जाएंगे तो मैं इनका सीड कलेक्ट करके और ग्रो करने का प्रयास करूंगी। देखती हूँ मुझे कितनी सफलता मिलती है। और ये देखिए मेरे बोगनविला लाइन से लगे हुए हैं। ये कलर देखिए, फिर नेक्स्ट ये है, फिर नेक्स्ट ये है, फिर नेक्स्ट ये है येलो कलर। अब मेरे एक जोरा में भी देखिए फ्लावरिंग। ये मेरे हिबिस्कस, इधर इनमें 3 दिन पानी नहीं पड़ा तो आए तो मेरे सारे प्लांट मुरझा गए थे। तो मैंने इनको आते ही पानी दिया तो अब कुछ इनमें रौनक आ गई। देखिए देसी गुड़हल में किस तरह से फ्लावर अंदर अंदर खिले हैं। ये देखिए ये वाला, इसकी साइज छोटी हो गई है। ये देखिए ये वाला, ये भी वही है कॉक्सकॉम, ये भी बहुत बढ़िया खिल रहा है। जहाँ भी है मेरे मधुमालती में भी देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए गुच्छे बने हैं। ये मेरा छोटा सा विंटर गार्डन, इसका कि मैंने सेपरेट वीडियो आपसे शेयर किया था। देखिए मेरी गोल्ड की दुनिया है। पेटूनिया के प्लांट हैं, केलेंडुला, ये सब क्राइसेंथिमम गुलदावरी के
किसी में कलियां आ गई, किसी में आने को हैं। ये टिकोमा वाला प्लांट, ये देखिए मेरे क्लेंचो, ये सब मैंने कटिंग से तैयार किया है। क्लेंचो का कोई प्लांट मैं खरीद के नहीं लाई हूँ। और देखिए सब छोटे छोटे, उसमें ये दोनों मेरे बनाए हुए खुद के व्हाइट सीमेंट से मैंने बनाया था, ये गोल और ये थोड़ा लंबे आकार का। और ये एक डिब्बे में, इसमें तीन तरह के प्लांट लगे हैं, क्लेंचो भी है, ये रेन लिली भी है, ये देसी विंका भी है, एक वो टूटे मग्गे में लगा हुआ है, और ये देखिए बॉटल की कटिंग में लगा हुआ है, ये एक मटकी में लगा हुआ है। इसकी पत्तियां देखिए कितनी बड़ी बड़ी हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने अपना ये शेयर किया, मैंने सोचा कि थोड़ा सा शेयर कर लूँ। तो कैसा लगा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग।